हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव में चुनावी गर्मी काफी बढ़ गई है। एक तरफ बीजेपी यहां अपने स्टार प्रचारकों के जरिए प्रचार कर रही है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार बीजेपी पर हमले बोल रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि प्रचार के लिए अब बस डोनाल्ड ट्रंप का आना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ प्रभा शर्मा। हैदराबाद में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं। ये निकाय चुनाव इसलिए भी खास बन गए हैं क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी के कई बड़े नेता हैदराबाद में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 150 पार्षद चुने जा रहे हैं, जिन पर शहर में प्रशासन और आधारभूत ढांचे के निर्माण की जिम्मेदारी होती है। इमारत, सड़क निर्माण, कूड़े का निपटारा, सरकारी स्कूल, स्ट्रीट लाइट, सड़कों का रखरखाव, शहर योजना, साफ सफाई और स्वास्थ्य ऐसे मसले हैं जो नगर निगम संभालता है। इस समय 1122 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। 1 दिसंबर को मतदान किया जाएगा और 4 दिसंबर को नतीजों की घोषणा होगी। बीजेपी निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतर आई है। नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या, देवेंद्र फडणवीस हैदराबाद में प्रचार कर चुके हैं। प्रचार के दौरान तेजस्वी सूर्या सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं। चेंज हैदराबाद अभियान की शुरुआत करते हुए तेजस्वी सूर्या ने मीडिया में कहा, अफेबल दैट अकबरुद्दीन एंड असदुद्दीन ओवैसी आर स्पीकिंग अबाउट डेवलपमेंट, दे डिड नॉट लेट मेट्रो कम इनसाइड ओल्ड हैदराबाद, दे हैव नॉट लेट एनी डेवलपमेंट कम इनसाइड ओल्ड हैदराबाद, दे हैव नॉट लेट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कम इनसाइड ओल्ड हैदराबाद, The only thing that they have allowed inside old Hyderabad is Rohingya Muslims. Ovaisi ne bhi BJP netaon ke bayanon ka jawab diya. Unhone kaha, ab BJP wale to aisa dikh raha ke kuch samajh mein nahi aa raha BJP ko, itna frustration ka shikar ho gaye. Hyderabad ko aa rahe to baba zara inko alhamdulillah ki biryani to khilao, thoda hosh tikane aata. Ane information broadcasting minister aa rahe, aake bol rahe majlis ko vote diye to टीआरएस को फायदा होता, मजलिस कोर्ट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000-40,000 रोहिंग्या है, वोटर लिस्ट में नाम है, वो असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मजलिस कोर्ट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है, मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे हैं। शुरू गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हैं तुम लोग हैदराबाद में। हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो, खुजाओ मत, जाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे, अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, वो मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30,000-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाई? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के। जीएचएमसी के पिछले चुनाव में टीआरसी ने 99 और एआईएमआईएम ने 44 सीटें जीती थी। इस बार भाजपा यहां पूरी ताकत झोंक रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैदराबाद पहुंचे। शाह ने सिकंदराबाद में रोड शो भी किया, इसके बाद वे एक सभा को भी संबोधित करते दिखे। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। योगी ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात भी कही थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को यहां रोड शो किया था। पिछली बार टीआरएस और एआईएमआईएम रहे बड़े खिलाड़ी। जीएचएमसी के 150 वार्ड के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी, नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे।
आपको बता दें कि पिछले चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 99 वार्ड में जीत दर्ज की थी। वहीं ओवैसी की AIMIM को 44 सीटें मिली थी। बाकी सीटों पर निर्दलीय और अन्य कैंडिडेट जीते थे। अभी के लिए बस इतना ही। आगे और भी ऐसी राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ JK News Network।